वेलकम टू जीरो से जीनियर्स तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे 25 सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे, जो कि बहुत अच्छे सवाल हैं आपके एग्जाम के पर्पस से, इसलिए आप इस क्विज टेस्ट को अंत तक जरूर खेलें। तो चलिए शुरू करते हैं, ये एपिसोड नंबर 53 है। ओके, पहला सवाल, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डबलिन। आयरन की राजधानी डबलिन है। क्वेश्चन नंबर टू, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? सवाल अच्छे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 352 के तहत। ओके, क्वेश्चन नंबर तीन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, स्तनपाई किसके द्वारा श्वास लेते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंग्स, फेफड़े के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर पांच, यकृत से निकलने और हृदय की ओर बढ़ने वाले रक्त में डैश की उच्च संकेंद्रण है। बहुत अच्छे सवाल हैं, आप चाहो तो एक बार और पढ़ सकते हो वीडियो को रोक करके। तो आंसर सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीत पिगमेंट की उच्च संकेंद्रण है। ओके, क्वेश्चन नंबर छह, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक नदी मुख का निर्माण करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों आपके फोन की इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सेवन, बल्ब एवं पौधे के किस हिस्से का एक संशोधन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तना। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, निम्न में से कौन रक्त को हृदय शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल्स, धमनी। क्वेश्चन नंबर नाइन, पानी का रासायनिक सूत्र डैश है, क्या होता है अब बता दो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, H2O। क्वेश्चन नंबर टेन, आजाद हिंद 1943 में डैश में स्थापित एक भारतीय अस्थायी सरकार थी, अर्थात 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, जो कहाँ हुआ था यही पूछा जा रहा है। फाइनली सवाल यही है, अब ध्यान से पढ़ो और आंसर सोचो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ओके, तो आजाद हिंद 1943 में सिंगापुर में स्थापित भारतीय अस्थायी सरकार थी। ओके, अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
बिंदुसार किसका पुत्र था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु का द्रव्यमान डैश है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर स्थान पर समान रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। मदर टेरेसा ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीस शांति के लिए। क्वेश्चन नंबर 14। बीसीजी वैक्सीन को निम्नलिखित में से किससे रक्षा के लिए दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीबी। बहुत अच्छे सवाल हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15। शरीर का सबसे ठोस हिस्सा डैश है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टूथ एनामेल। बहुत अच्छे सवाल है कि शरीर का सबसे ठोस हिस्सा है टूथ एनामेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। देश में दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 17। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 18। आकार के संदर्भ में हमारे सौरमंडल में शुक्र का दसवां स्थान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छठवां स्थान है शुक्र का। ओके, आकार की दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी की परिधि को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इराटोस्थेनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। चंद्रगुप्त जो कि 322 से 298 ईसा पूर्व तक उनका शासन था, चंद्रगुप्त का, किस वंश का शासक थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, अब बता सकते हो आसानी से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश का। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, भारत। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से क्या ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक प्रतिशत है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर सी, 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। आकाश के संदर्भ में, माफ कीजिएगा, आकार के संदर्भ में हमारे सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? शनि का छठा था, पृथ्वी का कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचवा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा शहर
गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर। ओके क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी की परिधि को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इराटोथेन्स। ओके क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है? आपको राइट आंसर यदि पता है बता सकते हो, अभी पढ़े हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, कर दिए तो धन्यवाद। और आई बटन में क्लिक करके एपिसोड नंबर 53 है, इसके पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना चाहिए आपको। ओके और दोस्तों आपको बता दें कि हिस्ट्री के रेगुलर एपिसोड अपलोड हो रहे हैं, उसे अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री आपके सिलेबस में शामिल है और उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जिसे देखकर आप हिस्ट्री को अच्छे कर सकते हो। ज्योग्राफी यदि आप नहीं पढ़ रहे हो या पढ़ना पसंद नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अगर ज्योग्राफी आपके सिलेबस में शामिल है तो आपके लिए एक एपिसोड निकलता है, चल रहा है इस जीरो से जीनियस के माध्यम से, उसे आप देखकर अपने ज्योग्राफी को स्ट्रांग कर सकते हैं। साइंस के लिए भी एक एपिसोड चल रहे हैं जिसके एपिसोड नंबर 2 निकल गए हैं, 3rd अभी कुछ ही देर में अपलोड होंगे, उसे भी फॉलो करके आप साइंस ठीक कर सकते हैं। पॉलिटी प्लस सिविक्स को हमने बोला था दीपावली के शुभ अवसर पर अपलोड करने के लिए, बट मेरे को उतना टाइम नहीं मिल सका कि हम वीडियो बनाए आपके लिए, तो माफ कीजिएगा, लेकिन आज जरूर उसको कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दिया जाए। ओके तो इस तरह से आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले, आपके एग्जाम जो भी हो, आरपीएफ हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, हरियाणा एसएससी है, झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या कोई भी हो, आपके लिए मेरे प्रत्येक वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप उसमें के सारे प्रश्न कॉमन होते हैं जिसे देख करके ही आप कुछ कर सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, औरों का रिजल्ट होगा तो आपका मेरिट बनेगा, इसलिए हमारे वीडियो को मिस ना करें। जो रेगुलर देख रहे हैं उनके जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है, वे हमें कमेंट करके जरूर बताते हैं कि आपके जीके जीएस, आपके वीडियो से हमारे जीके जीएस बहुत अच्छे हो रहे हैं, यानी कि उस बंदे को विश्वास जरूर हो गया है कि कुछ इसमें दम है। आप भी विश्वास करके देखो, सबसे पहला विश्वास होता है तभी कुछ हो सकता है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो है मतलब कल नहीं वीडियो डाले गए थे, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्त जनों में जरूर कर दीजिए, जो हमारे रेगुलर हैं उन स्टूडेंट से, उन साथी से, उन मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिए, और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप अनेकों वीडियो देख सकते हैं, जो करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।